जिंदगी में खुशियों का रंग बिखेर देते हैं और इन फूलों की खुशबू हर जी रूह को एक मुनफरिद सुकून और खुशी देती है। वादिया नगर में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर तरफ फैले रंग बरंग के फूल, जहां सहरंगेज नज़ारे बिखेर रहे हैं, वहां फजा में महकती फूलों की खुशबू के खूबसूरत एहसास ने सयाहों पर सहर तारी कर दिया है। वादी नगर में मौसम सरमा की सख्त सर्दी के बाद बहार की आमद है। खजां रसीदा दरख्तों और पौधों ने खुश्क पत्तों का पैराहन उतार कर सब्जा ओढ़ना शुरू कर दिया है। दरख्तों और पौधों पर सब्जा और कुदरत की जानिब से आवेजा हसीन फूल और पत्ते अहले नगर और बाहर से आने वाले तमाम सयाह के दिल दिमाग को तरोताजा कर रहे हैं। बहार के मौके पर वादी नगर में आने वाले यहाँ की सहरंगेज खूबसूरती को देखकर अश करते हैं। ये तो जैसे मेरी लाइफ टाइम में पहली दफा विजिट भी कर रही हूँ इस जगह को, और more beauty. यहाँ पर जो है trees, I would say the landscape and the surroundings are beautiful. Yeah, and then because I think background में आपको mountains भी इतना अच्छा वो नज़र आ रही हैं, so Hunza is beautiful as well. लेकिन नगर has something different. मैं basically mountains के लिए आई थी. The mountains are beautiful. कंपेयर टू जहाँ से आई हूँ तो, लेकिन अदर देन माउंटेंस द वैली और लोग सब जो है ना, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सारी चीज़ें मिला के इस जगह को बहुत जो है ना अट्रैक्टिव। वादी नगर में बहार के मौसम में मुख्तलिफ अकसाम के दरख्तों पर फूल खिलते हैं, जिनमें चेरी, खुबानी, बादाम, शहतूत वगैरह काबिल जिक्र हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत और सहर अंगेज नज़ारा चेरी के दरख्त का होता है। वादी नगर की कुदरती रौनक और खूबसूरती की झलक हर तरफ दिखाई देती है। इस वादी के बारौनक इलाकों और फूलों से लदी वादियों में वादी चलत, वादी गुलमत, साल हा साल बर्फ से ढकी इराका पोशी की खूबसूरत चोटी, वादी फकर, वादी होपर और दीगर वादियां अपने कुदरती हुसन और बहार की खूबसूरती की बदौलत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर है, जिनकी खूबसूरती देखने पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के सयाह इन वादियों की तरफ खींचे चले आते हैं। एक सयाह का कहना है कि वो वादी नगर की खूबसूरत इलाकों की सैर व सयाहत करने वालों में से एक हैं। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, बहुत पुरअमन लोग हैं यहाँ के, माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू है। आप सबको है रिक्वेस्ट, आप कभी भी ज़िंदगी में आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और ये जगह देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगहें हैं, आप आके देखें, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ। हर जगह सहूलतें हैं, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है, अमन है इस शहर में भी और यहाँ इस पॉइंट में भी आपको हर चीज़ सहूलत मिलेगी, आप आएँ और इंजॉय करें। एक और सयाह का कहना है कि वादी नगर में दाखिल होने वालों को सबसे पहले ज़मीन पर उगे रंग बरंग के फूल, उन पर चहचहाते परिंदे अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ मुख्तलिफ फूलों की बीनी बीनी खुशबू इस्तकबाल करती है। मेरे ख्याल के मुताबिक बहार का सीज़न और ऑटम का सीज़न इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट। इसमें जो आपको इस वैली के कलर्स देखने को मिलते हैं, हुंजा से कंपेरेटिवली इन माई ओपिनियन नगर में मैंने ज़्यादा खूबसूरती, इस टाइम हम लोग मीनापिन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप आस पास जिधर देखें आपको कलर्स ही नज़र आएंगे, जिसकी उस पर हम लोगों ने स्पेशली होटल चेंज करके हम लोग यहाँ पे आए कि जो असल खूबसूरती है, और जहाँ पे देखो फूल और अल्लाह की जो ना सना, बस मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।